संकट बना हुआ है, ये कहा जा रहा है कि ब्लैक डाउन होने वाला है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर पत्रकार राशिद भाई हैं। राशिद भाई ने ऐसा एक शोध किया है जिससे ये मालूम पड़ा है कि जो कोयला संकट है उसकी पैदाइश मेरठ से ही हुई है। आप ये बताइए कि यहाँ पर आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई है जिससे कोयला कम पड़ गया है, अब बिजली पैदा करने के लिए कोयला नहीं रहा है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। अब जब कोयले, जो भी चीज़ महंगी होती है या शहर से गायब होने वाली होती है, उसका कहीं ना कहीं पहले स्टॉक कर लिया जाता है। यहाँ मेरठ में क्या वजह है? मेरठ की वजह तो भाई सीधे तौर पे अगर देखी जाए तो कोयला जो है, मुसलमान कबाब खाने बंद कर दें, भट्टियाँ बंद कर दें, तंदूर बंद कर दें, तो शायद कोयला कुछ बच सकता है। आप तो अभी कोयला संकट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को सीधे तौर पे कहूँगा, मुसलमान तो जब कुछ नहीं मिलता है तो मुसलमान आगे हो जाता है। तो मैं खुद ही आगे कह रहा हूँ, इससे पहले कोई और इल्ज़ाम लगाए तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि भाई संकट के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं दोष मुसलमानों पे रख दिया जाए कि जी कबाब खाने बंद कर दो। और आप जो ये कबाब से कोयले का क्या संबंध है भाई? शिकायत तो कोयले पे ही होती है ना कबाबों की। अब यूँ तो संबंध पंखे का भी है, क्योंकि पंखा नहीं चलेगा तो कोयला कैसे चलेगा। तो बिजली की खपत के लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं मुसलमान जिम्मेदार हो, क्यों भाई कोयला भी जला रहे हो तुम और पंखा भी चला रहे हो, तब जाके कबाब बनता है, तब जाके कबाब बनता है। और खाने वाले खाने के बाद में हाथ साफ करके चले जाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि कोयला खर्च हो रहा है या हवा खर्च हो रही है। लेकिन कुल मिला के ये है कि विपक्ष को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, कुछ ऐसा इसका भी ब्रह्मास्त्र निकालें जैसे और चीज़ों का निकाल रहे हैं, तो कोयला भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। क्योंकि मुसलमान जो है, मुसलमान एक किस्म से कारीगर भी हैं, वो कोयला पैदा भी कर सकते हैं। आप चांस तो दीजिए मुसलमानों को कुछ पैदा करने का। अभी तो सबने यही सोच रखा है सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और कुछ पैदा ही नहीं करते, तो बहुत चीजें पैदा कर सकते हैं। सरकार को चाहिए कि मुसलमानों को आगे करें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई ने इतना बढ़िया तर्क दिया है कि जो बिजली संकट है वो देश का मुसलमान खत्म कर सकता है, और उसके लिए जो तरकीब बताई है इन्होंने।